हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर पनीर की रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं एक बड़े साइज़ का टमाटर, तो उसे मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से लिए हैं लहसुन की कुछ कलियाँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 हरी मिर्च और थोड़े से बिल्कुल काजू। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो काजू और मिर्ची की अलग पेस्ट बनाएंगे और टमाटर और लहसुन की अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों पेस्ट बना लिए हैं। तो चलो अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कंट्री डिलाइट के पनीर। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं बता दूँ आपको, मैं ना कुछ टाइम से ना कंट्री डिलाइट के पनीर यूज़ कर रही हूँ। इनके पनीर काफ़ी अच्छे होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। अगर आप मार्केट वाले पनीर यूज़ कर रहे हो तो आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलो, मैंने सोचा मुझे अच्छे लगते हैं तो चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं पनीर को बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करूँगी। तो अगर आप चाहो तो इसे बड़े बड़े स्लाइसेस में भी कट कर सकते हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में पनीर को कट किया है। तो अब हम यहाँ पे पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। तो ऑयल जब तक अच्छे से हीट हो जाता है तो हम यहाँ पे थोड़े से पनीर में मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पनीर पे हल्दी और नमक की अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पे बातों बातों में कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें पनीर को डाल देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पनीर सारे डल गए हैं और हम बिल्कुल इसे अच्छे से लाल करेंगे। तो हम इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है। और आप देख सकते हो पनीर बिल्कुल अच्छे से लाल हो गई है। तो हम इसे एक एक करके सारे पनीर को ऐसे पलट देंगे और हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से बिल्कुल लाल कर लेंगे। तो थोड़े टाइम हो गए हैं इनके भी, तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं पनीर दोनों साइड से अच्छे से बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। अगर आप भी पनीर का या मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो तो इस ऐसे ही बिल्कुल पनीर को अच्छे से लाल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पनीर कितनी अच्छे से लाल हुई है। तो चलो, इसी कढ़ाई में अब मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पहले से ही कट करके रख लिए थे, तो इसे भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसे अब मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और हम प्याज को तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता, और हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्याज अच्छे से थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगे हैं। तो हमने जो पेस्ट बनाए थे यहाँ पे, हम इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पेस्ट को यहाँ पे डाल दिया है, तो हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले और प्याज तो अच्छे से मिक्स हो गए, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लो। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और थोड़ी देर बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर हो गए हैं तो चलो हम चेक करते हैं। बट ये मसाले अभी रेडी नहीं हुए हैं ऐसा मुझे देखने में लग रहा है। तो चलो इसे थोड़ी देर के लिए और भी ढक देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर हो गए हैं तो चलो चेक कर लेते हैं। और अभी आप देख सकते हो ये मसाले के कलर जो हैं बिल्कुल अच्छे वाले लग रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे मसाले हैं जो रेडी हो गए हैं। तो चलो हम इसमें ऐड करते हैं मसाले। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर और यहाँ पर थोड़े से मैंने गर्म मसाले लिए हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस ये तो अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मटर। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1/2 kg मटर। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी पानी ताकि जो मटर है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाए और पक भी जाए और मसाले बिल्कुल भी ना जले।
और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और मटर पकने तक का हम वेट करेंगे। तो इसमें उबाल आते ही हम इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें उबाल आने लगा है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। बट अभी ये थोड़े और भी होंगे तो हम इसे फिर से ढक देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर और भी हो गए हैं तो हम इसे भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ऊपर ऑयल आने लगे हैं और सब्जी के कलर बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पनीर ऐड कर लेते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी धनिया, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसे ढक देंगे ताकि जो मसाले पनीर और मटर हैं वो अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो जाएं और हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल टेस्टी यमी बने। तो थोड़ी देर हो गए, चलो हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सब्जी का कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, जो ऑयल है बिल्कुल ऊपर ऊपर से आ गए हैं, और यहाँ पर मटर भी अच्छे से पक गए हैं। और यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली, और फिर से मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से धनिया, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो चलो हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मटर पनीर की जो सब्ज़ी है वो बनके रेडी हो गई है। और यहाँ फिर से मैं थोड़ा धनिया ऐड कर रही हूँ, क्या है ना मुझे धनिया बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो, ये अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।